पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा मैं भेजता हूँ, हाँ, वो आपको मिल जाता है? हाँ मिल जाता है, खाते में जाता है। सीधा खाते में आ जाता है? हाँ खाते में आ जाता है। बीच में कोई पैसा कटकी करता नहीं है ना? ना कोई दिक्कत नहीं। मुझे सभी योजनाओं का लाभ मिला है, मेरा मकान बना है। अच्छा मकान मिल गया, और क्या मिला? शौचालय मिला है। तो पहले कहाँ रहते थे? कच्चे मकानों में रहते थे। अच्छा अभी पक्का मकान मिल गया? जी। अगर आप लोग खेती करते हैं, आप लोग किसान हैं, तो आप लोगों के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। 10वीं किस्त का पैसा कब आपके जनधन खाते में आने वाला है, उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी आपको हम बताने आ रहे हैं। और जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आपको हर साल 3 किस्तों में 6000 रुपये की धनराशि मिलती है, किस योजना के अंतर्गत आपको प्रति महीना 1500 रुपये की धनराशि मिलेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी अपने इस 2 से 3 मिनट के वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले आके देश को संबोधित किया, जिसमें कई बड़ी सरकारी योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसमें अभी तक बता दें 27 लाख गरीब लोगों को खुद का मकान दिया गया है, 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत फ्री में गैस सिलेंडर चूल्हा दिया गया है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक किसान भाई बहन थे। अब आपको हम बता देने आते हैं भाई बहनों, किसानों के लिए कई बड़ी सरकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसमें अगर आप लोग खेती करते हैं, किसान हैं, तो आपको भी पता होगा हर साल 3 किस्तों में आपको भारत सरकार 6000 रुपये की धनराशि देती है, वैसे ही आपको प्रति महीना 1500 रुपये मिलेगा अगर आप लोग निःशुल्क आवेदन कर देते हैं। निःशुल्क का मतलब होता है आपका 1 रुपये नहीं लगेगा, आपको सिर्फ आवेदन करना है और आवेदन करने की प्रक्रिया पता होनी चाहिए। और दूसरा बता दें, अगर अभी तक आप लोगों को 9 किस्त के पैसे मिल चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, तो 10वीं किस्त का पैसा कब आने वाला है उसकी चलिए संपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बता दीजिए कि अभी तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पैसा मिलना चालू हुआ कि नहीं हुआ। अपना नाम और अपने गांव का नाम जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपके शहर में, आपके राज्य में कोई भी सरकारी योजना चल रही हो तो उसकी जानकारी हम आपको कमेंट सेक्शन में बता सकें। इसलिए अपना नाम गलती से भी कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग 10वीं किस्त का पैसा का इंतजार कर रहे थे, तो नवंबर में आपकी 10वीं किस्त का पैसा आपके जनधन खाते में आ जाएगा। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही किसानों के लिए, जो खेती करते हैं किसान और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान भाई बहन जुड़े हुए हैं, उनको सालाना अब 12000 रुपये की धनराशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिल सकती है। केंद्र सरकार अपनी योजना बना रही है और रणनीति बना रही है, जो अभी आप लोगों को 3 किस्तों में 6000 रुपये की धनराशि मिलती है, इसको बढ़ाकर केंद्र सरकार 12000 रुपये कर सकती है। इसलिए अभी तक आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत नहीं जुड़े हैं, तुरंत जुड़ जाएं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जुड़ने के लिए आप लोग हमारे कम्युनिटी में चले जाएं, वहां पर सारा पोस्ट पढ़ा है, यहां पर वीडियो में बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। और तीसरा, अगर आप लोग खेती करते हैं, किसान हैं, भाइयों बहनों, प्रति महीना आपको 1500 रुपये की धनराशि मिल सकती है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हो चुकी है, जिसके अंतर्गत हमारे देश में विकलांग किसान, मजदूर, बेरोजगार वर्ग के भाई बहन जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग खेती करते हैं, किसान हैं या मजदूर हैं, तो भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत जुड़ जाएं। इसका फॉर्म आपको नजदीकी पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, जिसमें जुड़ने के लिए आपकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। जैसे ही आपकी उम्र 60 साल पहुंचेगी, आपको एक निर्धारित पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। इसका भी सारा पोस्ट बनाकर हमने अपनी कम्युनिटी में डाल दिया है, कम्युनिटी से पढ़कर आप लोग आवेदन करके इस योजना के अंतर्गत जुड़ के अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकते हैं। भाइयों बहनों, इस 2 से 3 मिनट के वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दी। इस तरीके की हर सरकारी योजना के बारे में जानने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें।